नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी टू प्लेसी जेई 2024 की जो नई वैकेंसी आई है उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर सिलेबस क्या होगा। तो मेरा अनुमान है, जो रिसेंटली अभी कुछ समय से जब से पेट आया है, जो पेट के बाद एग्जाम होते हो रहे हैं उसके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर कमेंट करते हैं सर क्या होगा आगे, क्या कट ऑफ होगी क्या नहीं होगी। जैसा कि मैं इसके पहले आपको एक वीडियो बनाया था, कट ऑफ और डिटेल बताया था जेई 2024 के बारे में, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी की क्या क्या है, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने वीडियो के लास्ट में कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट बता दिया है और कितने लड़के शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं ये भी बता दिया है। उसके बाद भी आप लोग कमेंट करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है जेई 2024 की, जो नई वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, मेरा जो अनुमान है, अभी तक का जो मेरा ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो सिलेबस हो सकता है वह आपका हो सकता है 100 मार्क्स, 100 नंबर का या 120 नंबर का, क्योंकि जो भी एग्जाम्स अभी कंडक्ट कराया है यूपी टू प्लस सी पेट के बाद उसमें क्या किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो सेट किया है वह रिलेटेड टू जो आपका पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया है। जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र का है तो इंजीनियरिंग जो पढ़े हैं वो देगा, और बाकी और जो चीजें थी वो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस उनका दिया है। तो मेरा जो मानना है 100 क्वेश्चन रहेंगे या 120 रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब, तो सीधा सीधा इसका ये मतलब है दोस्तों कि इसमें क्या रहेगा, आपका 65% टेक्निकल हो सकता है और 35% नॉन टेक हो सकता है। ठीक है, मतलब 65% टेक्निकल का होगा और 35% नॉन टेक का होगा। अब सेकेंड वाला रेशियो क्या हो सकता है ये भी मैं बता दूं, इसमें क्या हो सकता है 80 टेक हो सकता है। ठीक है, 80 टेक हो सकता है और 40 नॉन टेक हो सकता है। ठीक है, 40 क्या हो सकता है, नॉन टेक हो सकता है। हम बात कर लेते हैं अगर आपका 100 क्वेश्चन आ रहा है तो फिर क्या होगा, तो टेक्निकल में आपका 65 क्वेश्चन होगा। ठीक है, टेक्निकल में कितना होगा, 65 क्वेश्चन आ रहा होगा। और एक ट्रेंड चलता आ रहा है जब से पेट आया, मैंने आप लोग को अभी बताया है आगे वीडियो में, कि कंप्यूटर और यूपीजे की हर एग्जाम में कंपलसरी कर दिया है। यूपीजेके का हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वह 20 आ रहा है, तो मैं आशा करता हूँ जेई में भी 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है होगा वह 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स होगा। अब निगेटिव की बात कर लेते हैं, निगेटिव आपका 1/4 होगा, मतलब 4 गलत पे 1 सही नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, 1/4 मतलब निगेटिव माइनस कट 0.25। अब बात कर लेते हैं अगर आपका 120 क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है 80 टेक्निकल। ठीक है, और आपको देखने को मिल सकता है 20 क्वेश्चन और 20 UPGK। तो मेरे द्वारा जो ये बताया गया है एक्सपेक्टेड सिलेबस है, संभावित सिलेबस है और इसके पूर्ण चांस है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टू प्लस सी जे 2024 के लिए तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई चेंजिंग होगी तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप ये 3 चीज़ अपना तैयार करिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे मेरा फिर से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि सिलेबस एक्सपेक्टेड जो आ सकता है वह क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।